यहाँ पे आप देखिएगा एक बैटरी कनेक्टर है पर वो जुड़ा नहीं है, पर बीबस की लाइन यहाँ पे जा रही है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा USB वी चार्ज। और इसकी लाइन पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये देखिए इस तरह का एक IC लगा हुआ है, ये एक MOSFET IC है, कौन सा लाइन समझना है। और जैसे मुझे ये MOSFET समझना है, ये MOSFET आप देखिएगा जो मैंने अभी आपको वहाँ पर दिखाया था, ये देखिए ये यहाँ लगा हुआ है, V से इसका नाम दिखाया हुआ है यहाँ पर भी है। और अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम करने से अच्छा ये होगा क्योंकि जो भी चीज़ आप देखोगे तो आपको आसानी से पढ़ पाओगे। अब आप इसको टिक करोगे ना खाली तो भी ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक BPH एंटर कर रही है, एक यहाँ पर आपको देख रहे हैं किस तरह से बक एंटर कर रहा है, ये इनकी बक वोल्टेज है, ये इनकी एक LDO वोल्टेज है जहाँ से L1 से L23 तक की आपको LDO वोल्टेज देखने को मिलेगी, जो अलग अलग है, जिसमें दो तरह के LDO वोल्टेज है, वी रेज की लाइन वोल्टेज, इसको वी रेज मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि हायर LDO लोअर LDO। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों ये वीडियो है डेडिकेट बोर्नियो के लिए। अगर आप बोर्नियो को समझना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्नियो यूज़र बनना चाहते हैं और बोर्नियो को ओपन करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं कि वो कितना आपके लिए एडवांटेज एक साबित बन सकता है इस मोबाइल रिपेयरिंग में, या वरदान बन सकता है, और बोर्नियो से आप क्या क्या सीख सकते हैं, या बोर्नियो से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे इसको ओपन करना है। इंस्टॉलेशन आई होप कि आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक इंस्टॉलेशन का वीडियो भी उसका बना दूंगा। ये वीडियो है बोर्नियो को लॉगिन करने से उसके प्रॉपर हर चीज़ की सीट और पैरामीटर्स बताने का, और एक आसान और एक सरल शब्दों में जिसमें आपको हर चीज़ समझ में आए। दोस्तों ये जो चैनल है इंसाइड टेलीकॉम, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, और ताकि हमारे को भी एक गोल्ड बटन मिल सके और हमारी इस मेहनत पर इस एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। अब बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बोर्नियो की बात करते हैं, अगर आपने बोर्नियो ओपन किया है तो देखिए फर्स्ट टाइम जब भी आप यू बोर्नियो को ओपन करेंगे, आई होप कि आपने बोर्नियो की आईडी परचेज कर ली होगी या आपके पास एक 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन होगा। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने बोर्नियो ओपन किया है तो आपने यूज़र नेम बनाई होगी, पासवर्ड बनाया होगा, और अब ये होता है सर्वर। दोस्तों कभी कभी बहुत सारे लोगों को सर्वर का इशू जाता है कि सर ये लॉगिन नहीं हो रहा और एक सर्वर का एक एरर दे रहा है, तब आपको क्या करना है, इस सर्वर को आपको 2 सर्वर दिए जाते हैं, एशिया और US। तो अब आपको या तो US सेलेक्ट कर लेना है या तो एशिया, मतलब जब सर्वर का इशू जाए तो आप इसको सर्वर जरूर चेंज करके एक बार देखिएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब आप इसको लॉगिन करेंगे, और ये लॉगिन होने के बाद ये चालू होगा, और सबसे पहले आपको उसके अपडेट दिखाएगा, और देखिए और जब जब ये अपडेट आते हैं दोस्तों, इसमें जैसे मैं बात करूँ, अगर इस सॉफ्टवेयर में अगर कोई नया अपडेट आएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्क्रीन शो करेगा जिसमें वो आपको उसको डाउनलोड करने के लिए भी कहेगा। अगर मैं बात करूँ अभी जो मेरा वर्जन चल रहा है, वो मेरा चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये बोर्नियो स्कीमेटिक है, ये मेरी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बोर्नियो का वर्ज़न 2.4.0। सो ये अभी लेटेस्ट वर्ज़न है 2.4.0। अभी मान लीजिए अगर कोई अपडेट आता तो ये अभी पॉपअप हो जाता, और जिसमें वो न्यू फीचर्स भी ऐड बताता, या क्या बग्स उसने हटाए हैं या बदले हैं वो भी उसको बताता। सबसे बात पहली बात करेंगे कि अगर मैं इसकी सबसे पहली बात करूं, तो इसमें आपको पहले एक अपडेट देखने को मिलेगा कि डेली के क्या अपडेट है। तो आप देखिए क्या यहाँ पे करंट अफेयर है, आज जैसे कि तारीख अगर हम बात करें, आज 14 तारीख है, तो यहाँ पे 14 तारीख के करंट अफेयर दिए हुए हैं कि 14 तारीख को उन्होंने क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसे कि जैन फोन का उन्होंने 3 का मॉडल का हार्डवेयर सोल्यूशन डाला गया है, नोकिया 6 का सब बोर्ड का हार्डवेयर सोल्यूशन है, सौमी रेडमी 3 का इस तरह के, तो इस तरीके से ये यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस अपडेट में आपने देखेंगे होम पर एक ही टैब मिलेगा, अभी आपको दूसरा टैब नहीं मिलेगा। अगर आप इस सेटिंग को टच करते हैं तब आपको ये जो साइड में बार विंडो दिखाई दे रहा है ये आपका हाइड हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अब आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको दोस्तों
क्या क्या देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बना लेता हूँ इसको, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर एक बार में आपको लगे नहीं समझ में आया तो दो बार तीन बार इसको देखेगा। तो सबसे पहले इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन मिलता है, जिसमें आप अपनी पीसीबी पर जो मेन लाइन है उसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कि अगर एक आईसी से लाइट आईसी की कितनी कितनी लाइन निकल रही है इंपॉर्टेंट, और उसको कितने वोल्टेज चाहिए, और वो किस किस आईसी से निकल रही है। अब बात करेंगे, दूसरा है बिटमैप। तो बिटमैप तो आपको आईसी के पैड वाइज की जानकारी देता है। तीसरा है स्कीमेटिक। अच्छा, स्कीमेटिक को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कीमेटिक पढ़ते आपको नहीं आया तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कीमेटिक का पर कोडिंग्स होती हैं और कोडिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एसओसी डायग्राम इन्होंने अभी हाल में ही ऐड किया हुआ है। एसओसी डायग्राम होता है दोस्तों जिसको हम सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं, मतलब बेसिकली मेन सिस्टम के मेन जो आईसी होती हैं उसके ये आपको इन आउट सप्लाई बता रहा है, प्लस उसके जो कमांड है या जितने भी उसके प्रोटोकॉल्स या कंट्रोल या लाइन है वो सारी लाइन वो बताएगा, जिसमें वो रैम, एमएमसी, पावर और सीपीयू का संबंध एक दूसरे से दिखाएगा। एक लैपटॉप के इसके में दिया गया है, पीसी के कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, और मॉनिटर जैसे एलजी के मॉनिटर, बैंकयू के मॉनिटर, जैसे आप मॉनिटर्स जो परचेस करते हैं डायल के मॉनिटर, उसके भी आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। जो मॉनिटर को वर्क करते हैं या जो पीसी पे वर्क करते हैं जो लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो वो भी जनरली बोर्नियो का यूज़ करते हैं। अब मैं बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा को सर्वर दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर सोल्यूशन में, तो यहाँ पे प्लस का पॉइंट है, आपको इस प्लस के पॉइंट पे दबाना है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखाई देंगे। इन मॉडल्स में दोस्तों आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए एक रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं लंबा वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। अगर मैं रेफरेंस के तौर पर बोलूँ तो जैसे मान लो मेरे पास एक ओप्पो का एक सेट आया चार्जिंग के प्रॉब्लम के लिए, मैंने ओप्पो में क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ओप्पो के, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ओप्पो का A83 पे क्लिक किया। सो आप मॉडल्स के अंदर आपको ये चेक करना है कि कौन किस सेक्शंस में आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिम कार्ड में प्रॉब्लम है, कस्टमर का चार्जिंग नहीं हो रहा है, नेटवर्क पर काम नहीं हो रहा है, तो आप इस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मेरे को चार्जिंग सेक्शन पर इस पर जाना है, तो चार्जिंग सेक्शन पर जब हम इस पर जाते हैं तो आप देखिए तो एक आपको पीसीबी की फ़ोटो एक एचडी लेवल पे दिखाई देती है। इसको आपको यहाँ पे जूम कर सकते हैं आप इसको, और काफ़ी हद तक जूम कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पर नीचे जो देखेंगे तो आपको इसमें टोटल सप्लाई दी होगी कि उन्होंने बोर्नियो की टीम ने इस पर क्या अपडेट किया है। अब दोस्तों एक मैं ये ज़रूर बताना ज़रूर चाहूँगा, एज अ टेक्नीशियन, एज अ टीचर और बींग अ प्रोफेशनल, और बिल्कुल हमें राइट आपको भी जानकारी देनी है कि हर तरह पर जब भी अगर आप देखें कि चार्जिंग में इन्हें सिर्फ चार जानकारी दी है, सो देखा जाए तो चार्जिंग की बहुत सारी जानकारी होती है, बट बोर्नियो हर जानकारी को नहीं देता है। बट जितनी भी जानकारी हमें मिलती है ये हमारे लिए काफ़ी है, अगर एक हमें सुविधा मिल रही है तो। सो अगर मैं बात करूँ चार्जिंग जो शुरुआत हुई है दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके इस बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से चार्जिंग की शुरुआत हुई है, जहाँ से आपको बीबस की लाइन मिली है, और इस बीबस की लाइन से यहाँ पे आप देखिएगा एक बैटरी कनेक्टर है, पर वो जुड़ा नहीं है, पर बीबस की लाइन यहाँ पे जा रही है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा USB वी चार्ज, और इसकी लाइन पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये देखिए इस तरह का एक आईसी लगा हुआ है, ये एक मॉसफेट आईसी है। अगर मैं इस मॉसफेट आईसी की बात करूँ तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आप देखेंगे तो सबसे पहले जो कि ओप्पो में ये जो आईसी होती है दोस्तों, ये एक मॉसफेट आईसी होती है, और एक मॉसफेट चार्जिंग आईसी हम बोल सकते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन आप समझ लीजिए, जो बेसिकली गेट से जो गेट से इनेबल लेती है, और जिसका हम बात करें इन आउट ड्रेन आउट सोर्स होता है, जो इस तरह से मतलब ये समझिए कि जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे वो आपके उतने ही वोल्टेज जो चार्जिंग के वोल्टेज उसको आगे नहीं भेजेगी। तरह के आपको एक मॉसफेट देखने को मिलेगी। मान लीजिए मैं एक और फॉर एग्जांपल एक दूसरा वीवो का मोबाइल और आपके सामने खोलता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने A37 क्वालकॉम का एक फ़ोन खोला है, और इसके चार्जिंग सेक्शन में जाता हूँ, चार्जिंग डाटा में जाता हूँ, देखिए
तो मैं इसको भी समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि जो मॉसफेट, अगर आप इसको देखिए दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ के या कहीं इंस्टीट्यूट से सीख के करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी जाएगी इन सब चीज़ों को, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक बीबस की लाइन मिल रही है, और ये बीबस की लाइन अगर मैं बात करूँ यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखिए एक मॉसफेट पर जा रही है। अब कुछ ना कुछ घुंडियों के भी छोटी मोटी गलती होती है, ये भी मैं मानता हूँ, और ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ह्यूमन एरर ज़रूर है, क्योंकि ये घुंडियों किसी इंजीनियर से नहीं बनाया, ये एक टीम ने मिलकर बनाया है, और वो भी कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, तो ये गलती भी कई बार हम लोग टीचर लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे देखिए ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये एक मॉसफेट बनाया हुआ है दोस्तों, और अगर इस मॉसफेट की हम बात करेंगे तो इस मॉसफेट का अगर आपको सर्किट जानना है तो अभी तो आपने देखिए ये समझ लिया यहाँ से कि ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से होते हुए इस OBPIC में जा रही है, और यहाँ से होते हुए इस BQIC में एंटर कर रही है इसके एक नंबर पर, इसके BQIC पर एंटर कर रही है इसके एक नंबर पर। सो आपने इस हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप ये समझ सकते हो कि लाइन प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर मान लीजिए आपको ये समझना है कि मॉसफेट पी चैनल है, एन चैनल है, या बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, तो आपको इसका डायग्राम खुलना पड़ेगा, तब आपको इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में ना जाके इसके स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा और सेम मॉडल्स को ओपन करना पड़ेगा। इन केस अगर आप जानना चाहते हैं ये लाइन सप्लाई के और किससे कनेक्टेड है और एंडलेस सप्लाई जानना चाहते हैं, तब आप 837 का मॉडल खुलेगा, तब आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर चार तरह के आपको PDF दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक स्कीमेटिक सब बोर्ड का है, और सब बोर्ड का ही लेआउट है, और सब मेन बोर्ड का स्कीमेटिक और मेन बोर्ड का लेआउट है। तो मैं मेन बोर्ड का लेआउट ओपन करूंगा। सो मेन बोर्ड का लेआउट ओपन करने के बाद आप देखिए कि मुझे किस तरह से बोर्डियों में PCB का लेआउट ओपन होता है। अब मैं यहाँ पर स्कीमेटिक भी ओपन कर दूंगा। अच्छा, दोनों चीज़ ओपन करने के बाद में फिर अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टिक यहाँ करना होगा अगर दोनों को एक साथ चलाना है तो पैरेलल, और दूसरा टिक मुझे यहाँ करना होगा। जो कम्बाइंड सिलेक्शन, आप ध्यान रखिएगा, कम्बाइंड एक्टिव सिलेक्ट में मैंने टिक किया, हालांकि मैं चाहूँगा कि बोर्नी उसका जल्दी अपडेट दे ताकि हमें एक ही बार में टिक करने पर ये दोनों विंडो एक साथ आए। अब यहाँ पर आपको देखिए कम्बाइंड सोल्यूशन में आपको टिक करना होगा, तो तब आपको ये विंडो इस तरह से दिख जाएंगी। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, अब आप अपने सबसे पहले लेआउट में जाएंगे कि आपको कौन सा IC या कौन सा लाइन समझना है, और जैसे मुझे ये मॉसफेट समझना है, ये मॉसफेट आप देखिएगा जो मैंने अभी आपको वहाँ पर दिखाया था, ये देखिए ये यहाँ लगा हुआ है, V से इसका नाम दिखाया हुआ है यहाँ पर भी है। और अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम करने से अच्छा ये होगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप देखोगे तो आपको आसानी से पढ़ पाओगे। अब आप इसको टिक करोगे ना खाली, तो भी ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी, हालांकि आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, और यहाँ पर सर्च का बटन भी आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये एक पी चैनल का मॉसफेट है, और पी चैनल का मॉसफेट में जब गेट क्या होता है लो होता है तो ये मॉसफेट आउटपुट देता है, अगर ये एन चैनल का होता तो इसके गेट पे हाई होता। सो मतलब यहाँ पर गेट पर या तो इस गेट को लो किस तरह से किया गया है, अगर मैं इसको ध्यान दूँ तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, इस गेट को लो करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है, ये देखिए ये रजिस्टर लगाया हुआ है ग्राउंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आपके इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज बने या उसके बराबर बने तो ये आउटपुट, ये मॉसफेट काम नहीं करेगा, तो ये किसी भी तरह से सिग्नल नहीं बनाएगा। और ये रजिस्टर ये है, अगर सिर्फ ये रजिस्टर भी हट गया ना दोस्तों, अगर ये रजिस्टर रिमूव हो गया या वाटर डैमेज में ख़राब हो गया, तो आपका सेट नो चार्ज पर चला जाएगा, मतलब आपका सेट चार्जिंग नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायग्राम्स भी समझ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस मॉसफेट को हल्का सा समझा दूं, क्योंकि मुझे और भी कुछ समझाना है, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। सो आप देखिए जैसे कि ड्रेन पर मैंने 5 वोल्टेज आए, और ड्रेन पर 5 वोल्टेज आने के बाद आप देखिए इसको सोर्स पर वोल्टेज देने हैं, तो ये गेट पर हमसे वोल्टेज मांग रहा है, मतलब एक तरह से सिग्नल मांग रहा है। तो यहाँ पर ये इसकी बेसिकली, क्योंकि ये रजिस्टर के साथ ग्राउंड, एक तरह से ग्राउंड है, एक रजिस्टर के साथ में ग्राउंड क्या है, इसको पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं, बेसिकली इसको आप पुल डाउन रजिस्टर बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से मॉसफेट को ऑन करने के लिए ये रजिस्टर यहाँ लगाया गया, ताकि इस गेट पर सिग्नल मिल सके, और जैसे ही इसको सिग्नल मिलेंगे तो ये 5 वोल्टेज यहाँ ड्राइव कर जाएंगे और 5 वोल्टेज आगे बढ़ जाएंगे। जनरली लोग इसको यहाँ से 4 नंबर पर भी जंपर मार के इसको बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको
जैसा कि मैंने बोला, स्कीमेटिक या किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जाकर नहीं मिलेगा, मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ ये सीखेंगे तो आप बेहतर तरीके से मोबाइल भी बना सकते हैं। और दोस्तों अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, अब इसके और बाकी एक फ्यूचर भी बता देता हूँ। तो देखिए, मेरे हार्डवेयर सोल्यूशन बता दिया, बिटमैप बता दिया, स्कीमेटिक बता दिया, बिटमैप बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम मोबाइल मैं बिटमैप पे ओपन करूँगा ओप्पो का और A37 क्वालकॉम में, अब मान लीजिए मैंने इसी को बिटमैप पे ओपन किया तो आपको कैसा दिखाई देता है, तो आपको पैड टू पैड आप यहाँ पर लाइनों को जानकारी ले सकते हैं, ISO के अंदर के NCs और ग्राउंड देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं जूम करूँगा तो पहले तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऊपर जूम करने के लिए नहीं है, तब हम यहाँ पर माउस का यूज़ करेंगे। तब मैं इसमें माउस लेकर आता हूँ। अच्छा है, तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं जूम करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये जूम हो रहा है और मुझे यहाँ पर माउस का यूज़ करना पड़ेगा, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा माउस का यूज़ भी कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो अब मैं सेम चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे, ये तो मैंने बोर्नियो के साथ आपको थोड़ा कुछ नॉलेज भी दे दिया, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि दोस्तों एशियन टेलीकॉम प्रोफेशनल रहना चाहता है और वो किसी भी तरीके से ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा जो मतलब आपको देखने में भी शर्म आए, जिसको आपको लगे कि ये क्या नॉलेज है ये और इस पर वीडियो बना देने का। बट मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं चीज़ों यहाँ पर नोट करूँ तो चलिए आइए इसको थोड़ा नोट करते हैं। देखिए तो दोस्तों ये सेम वही मॉसफेट जैसे कि मैंने बताया एन चैनल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी पैड होती हैं और ये रजिस्टर इसके साथ यहाँ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट यहाँ ड्राइव करता है, उसके बाद जब ये गेट लो होता है तो ये यहाँ से यहाँ ड्राइव करने के बाद में एक ESD डायोड IC पर जाता है। ये एक डायोड IC है जिसपे 2 लैग हैं और एक TVS डायोड यहाँ पर लगे होते हैं। उसके साथ में ये कैपेसिटर फिल्टर करके इसके एक OBP से निकल कर तब जाके इसके यहाँ पर एक BQ IC में इन करता है, और उसके बाद BQ IC के इन करने के बाद में ये BQ IC अपने हिसाब से इस IC को बनाती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप BQ पर भी वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं एक BQ पर भी एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हालांकि अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है बिटमैप का कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो ये इससे जो जो चीज़ कनेक्टेड है वो टच हो जाएगी और एक रेड्स लाइन यहाँ पर दी हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पर जो जो लाइन कनेक्टेड है वो लाइन पूरी बता दी कि उन्होंने बताया यहाँ से ये आपके कनेक्टर पे कनेक्टेड है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है और यहाँ से ये 5 वोल्टेज की लाइन कुछ और कंपोनेंट पे कनेक्टेड होगी जो कि बोर्ड के दूसरे सिरे पर है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्टेड है। ये देखिए आप आईसी के अंदर का अगर मैं बात करूं, आप इस आईसी के अंदर का हर लाइन चेक कर सकते हैं कि ये लाइन कहाँ कनेक्टेड है, ये लाइन कहाँ कनेक्टेड है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो लाइन है अगर वो ओपन हो गया है या उखड़ गया है तो हमें कहाँ जम्पर मारना है। अब हम बात करते हैं इसके अलग दूसरे तीसरे फीचर पर। तो देखिए इसका फीचर एक SOC में अभी एक नया अपडेट आया है 8940, और इसमें आपको ये फीचर्स बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको डायग्राम समझ में आते हैं, जिनको कोडिंग समझ में आती है या जिनको इनका नॉलेज है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये फीचर्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये PMI 8952 और PMI 8940 को उन्होंने एक ही में क्यों बनाया, अच्छा PMI 8952 और PM 8940 एक मेन पावर दिया है, एक सब पावर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक BPH एंटर कर रही है, एक यहाँ पर आपको देख रहे हैं किस तरह से बक एंटर कर रहा है, ये इनकी बक वोल्टेज है, ये इनकी एक LDO वोल्टेज है जहाँ से L1 से L23 तक की आपको LDO वोल्टेज देखने को मिलेगी जो अलग अलग है, जिसमें दो तरह के LDO वोल्टेज है, V-Range की लाइन वोल्टेज, मीन्स को V-Range मतलब वोल्टेज रेगुलेटर जो कि हायर LDO लोअर LDO से मिलकर बनती है। जब एक हायर LDO टूटता है तो छोटी छोटी वोल्टेज बनती हैं, तब जाके ये लाइन बनती है। सो दोस्तों इसको समझने के लिए ना स्कीमेटिक का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ अगला
लैपटॉप और पीसी और मॉनिटर है, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग के खैर अंतर्गत नहीं है, पर अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग में करते हैं तो आप लोग इसको बहुत बेहतर समझते होंगे। सो प्लीज़ बताइएगा मुझे कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे, मैंने जैसे ही कहा कि एक लाइक एक कमेंट तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद, और अगर आपको लगे कि ऐसा टेलीकॉम आप काबिल है आपको पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे पास आइए, हमारे को कॉल कीजिए और हमें हम पर भरोसा कीजिए, और हमारे भरोसे को आप और हमारे जोश को अपने जोश में बदलिए, और ज़िंदगी में वो नाम कीजिए जो आपने सोचा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?